दोस्तों आईफोन में देखिए एक प्रॉब्लम है, ये स्टक हो गया इसका टच, और इसको रीस्टार्ट करने का देखो अब मैं तरीका बताता हूँ आपको। टच ना चले तो घबराना मत, ये दोनों बटन एक साथ दबाओ, प्लस माइनस और ये। स्लाइड हो गया। रिलीज टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज। रुक जाओ भाई साहब, मत छेड़ो उसको। होगा क्यों, टेंशन ले रहे हो आप? सही जगह आए हो आप। चलिए टच कैसे किया भैया, बता दो हमें भी यार। तो देखा दोस्तों आपने, ये था आईफोन 11 और इसमें ये प्रॉब्लम आ रखी थी कि टच स्टक हो गया था इसका, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, आप का फोन है ना ये रिस्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम प्लस एक बार दबाना है, वॉल्यूम डाउन एक बार दबाना है, फिर वो पावर बटन दबाए रखना, आपको इन दोनों बटन को छोड़ देना, वॉल्यूम प्लस और माइनस को, बस एक एक बार दबा के, एक बार प्लस दबेगा एक बार माइनस, उसके बाद पावर बटन को दबा के रखना है 15 सेकंड तक, आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा बिंदास, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। ये कस्टमर इतना परेशान था, इसके पास है आईफोन 11 प्रो और भाई ये इस बंदे से पैसे मांग रहे हैं कि 7,000 रुपये लगेंगे, तेरी डिस्प्ले खराब हो गई। अब ये बंदा इतना शुक्रगुजार होके गया मेरे से, क्योंकि मैंने पैसे मांगे नहीं इसके, क्यों मैंने किया आपके भी सामने, और वो भी कस्टमर भी यहीं था, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मैं किसी को पता नहीं चलने देता कि मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे भाई दिखावे का शौक नहीं है इतना, जितना और लोग अपनी दुकान के एड्रेस दे दे के बुला रहे हैं भाई लोगों को, मेरे को वो चीज़ का शौक नहीं है। किसी को पता चले, दुकानदार को या किसी बंदे को पता चले, तो मैंने उसके सामने ज़्यादा बात नहीं करी। तो आपके सामने कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, अभी देखिए पिछले हफ्ते ही ये प्रॉब्लम उसमें भी आया, आईफोन 13 प्रो में, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, मगर उसमें ये था कि टच नहीं, टच क्या उसमें डिस्प्ले ही नहीं आ रही थी उसमें, इसमें तो डिस्प्ले आ रही थी, बस टच काम नहीं कर रहा था, स्टक हो गया था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, और पावर बटन ठीक से काम कर रहा है मगर टच ही नहीं चल रहा था, इसमें तो ये प्रॉब्लम थी। मगर एक आईफोन 13 प्रो ग्रीन कलर मैंने किया था, ये पिछले हफ्ते किया था, वो बंदा उससे 13,000 रुपये खर्चा बताया किसी ने, पता नहीं सर्विस सेंटर कह रहा था या कहाँ कह रहा था, वो 13,000 रुपये पूछ के आया था, कह रहा भाई आपसे कुछ हो जाए तो कर लो। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न हो गया था, या तो फ़ोन में मेरे में बैटरी नहीं रही होगी, मैं अब काफ़ी पछताया था कि यार अपनी ऑडियंस को ये बात बतानी चाहिए थी। तो उस कंडीशन में ऐसे ही होता है कि एक बार प्लस बटन दबाओ, एक बार माइनस बटन दबाओ, और उन दोनों को छोड़ दो, और तीसरा बटन आपको ये दबाए रखना है, बस इनको एक एक बार दबाना है, एक बार प्लस दबा दिया उंगली हटा लो, एक बार माइनस दबा दिया उंगली हटा लो, उसके बाद ये पावर बटन दबा के रखना है। इसका कोड होता है आईफोन का, आईफोन कोई भी हो आपके पास, 8 के बाद जो भी आईफोन होंगे सारे इस तरीके से आराम से आपके साथ रीस्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बूट ले जाएंगे वो दोबारा से, रिबूट हो जाएंगे, ठीक है। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, लाइव मैंने आपको बताया, अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो खुद कर लेना, किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, मत्थापच्ची करें कहीं भी किसी दुकान पर करने की जरूरत नहीं है, कितने लगेंगे क्या लगेगा सब डिस्प्ले खराब बताएंगे इसके बारे में, कोई दुकानदार ऐसे मौका नहीं छोड़ता। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।